एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले साल डोईवाला में हुई डकैती में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी मुख्य कुख्यात परवेज डकैत को मेरठ से गिरफ्तार किया। साल 2022 से जनपद देहरादून के थाना डोईवाला से डकैती के जघन्य और सनसनीखेज मुकदमे में शामिल था। गिरफ्तार आरोपी परवेज उर्फ बाबा एक दुर्दांत और कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ अब तक डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास के करीब 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है। बता दें कि 15-10-2022 को शीशपाल अग्रवाल निवासी घराट रोड गली थाना डोईवाला देहरादून के घर में दोपहर के समय घर में घुसकर हथियारों के बल पर घर के सदस्यों को कमरे में बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें डकैतों के द्वारा घर पर रखी काफी मात्रा में नकदी एवं जेवरात भी लूट लिए गए थे। 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से, इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। हमारे यहाँ भी एसटीएफ की अलग अलग टीम्स में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन चल रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का था जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं, तो ये फोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी अलग अलग स्थानों पर, दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। ठीक है।